नमस्कार तमाम मित्रों ने स्वागत है आपणी यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज आप 5 शेर जुए तो पहले शेर जुए तो 4 महीना में बैंक शेर में पैसा बमना थी। हवे एक्सपर्टे आप्यो टार्गेट जाहिर क्षेत्र की यूको बैंक शेरों छेल्ला केटलाक महीना में जबरदस्त तेजी जोवा मळी। छेल्ला 4 महीना में यूको बैंक शेरों रोकाणकारों ने लगभग 110% वळतर आप्यो छे। 20 ऑक्टोबर 2022 रोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यूको बैंक शेर 12.17 पर हता। 20 फेब्रुआरी 2023 रोज BSE पर बैंक शेर 25.45 पर बंद गया है। बैंक शेर 52 सप्ताह उच्च स्तर ₹38.15 है। तेज समय 52 सप्ताह निचलू स्तर ₹10.52 है। 8 महीना में बैंक शेर में 140% वधारो थयो छे। यूको बैंक शेर 20 जून 2022 रोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ₹10.52 पर था। BSE पर 20 फेब्रुआरी 2023 रोज जाहिर क्षेत्र बैंक शेर 25.45 पर स्तर ट्रेड थी रहा है। छेल्ला 8 महीना में बैंक शेरों रोकाणकारों ने लगभग 142% वर्तर आप्यो छे। छेल्ला 6 महीना में बैंक शेर में लगभग 123% वधारो थयो छे। जो कि आ वर्षे 2023 में अत्यार सुधी में यूको बैंक शेर में लगभग 19% घटाड़ो थयो छे। यूको बैंक ने ₹55 टार्गेट मळ्यो छे। बिजनेस टुडे अहेवाल में GCL CEO रवि सिंघल कहेवुं छे कि सेंट्रल बैंक द्वारा व्याजदर में वधारा ने कारण बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM में सुधारो थयो छे। उपरांत NPA जोगवाई में घटाड़ो थयो छे। आगळनी वृद्धि एडवांसिस पर आधारित छे। आगामी केटलाक महीना में यूको बैंक पर अमारो ₹55 टार्गेट छे, बराबर। एटले के बैंक इंटरेस्ट मार्जिन में सुधारो थयो छे। उपरांत NPA जोगवाई में घटाड़ो थयो छे। NPA जो घटे तो ये सारूँ कहेवाय, बराबर। आगळनी वृद्धि एडवांसिस पर आधारित छे। शेर इंडियाना वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह कहूँ है कि नाणकीय परिणामों आया बाद यूको बैंक शेर में तेजी आई है। बैंक ने NPA में घटाड़ो थयो छे। बैंक ने लोन ग्रोथ लगभग 2 आंकड़ा में उछड़ी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स अनुसार टूंका गाड़ा में यूको बैंक शेर ₹32 सुधी पहुंची सके। बीजो शेर जो तो आ टाटा कंपनी में निष्णातों कहूँ 12 महीना में किंमत ₹130 सुधी पहुंची जैसे। लिस्टेड कंपनीओ वेचाणना तबक्का में पसार थई रही है। आवी जे कंपनी है टाटा स्टील। आ शेर 21 फेब्रुआरी 2022 रोज ₹118.19 पर बंद थयो हतो, जे एक वर्ष पछी 20 फेब्रुआरी 2023 रोज एटले कि आज 112 स्तरे है। जणावी दई के शेर 6 एप्रिल 2022 रोज 138.63 ने 52 सप्ताह की ऊँची सपाटी और 23 जून 2022 रोज ₹82.71 ने 52 सप्ताह की नीची सपाटीए पहुँचो हतो। प्रदर्शन केवु छे तो तमने जणावी दईए कि टाटा स्टील नो शेर एक वर्ष में 6% घट्यो छे। तेज समय एक महीना में स्टॉक 9% घट्यो छे। 2 वर्ष में शेरे 66.92% वळतर आप्यु छे, ज्यारे 3 वर्ष में समयगाळा में रोकाणकारों ने 152.31% वळतर मळ्यु छे। हाल में कंपनी की मार्केट कैपिटल एट्ल के मार्केट कैप 136,801.87 करोड़ रुपया है। ब्रोकरे शूँ कहूँ तो जो कि केटलाक ब्रोकरेज शेर में बुलिश जणाय छे। आनंद राठीए टाटा स्टील पर ₹133 लक्ष्य भाव साथ बाय रेटिंग जाळवी राख्यु छे। ICICI डायरेक्ट रिसर्च ने अपेक्षा है कि टाटा स्टील 12 महीना में ₹130 सुधी पहुंची जैसे। टिप्स टू ट्रेड अभिजीत मते टूंका गाड़ा में स्टॉक ₹122-128 टार्गेट सुधी जाइ सके। तीजो शेर है एम 3 शेर है तो अदाणी आ 3 शेर में हवे तेजी आवी सके। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट बहार आया बाद अदाणी ग्रुपना शेर ने मोटो आंचको लाग्यो छे। अदाणी ग्रुपना शेरना बजार मूल्य में 132 बिलियन थी वधुनो घटाड़ो थयो छे। सौथी वधु नुकसान अदाणी टोटल गेसना शेरने थयुं छे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 24 जानुआरी बहार आव्यो त्यारथी अदाणी टोटल गेसना शेर में 75% थी वधुनो घटाड़ो थयो छे। अदाणी टोटल गेस ने ग्रुपना शेर में सौथी वधु नुकसान थयुं छे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहार आया बाद अदाणी टोटल गेसना शेर में लगभग 76% घटाड़ो थयो छे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE खाते 24 जानुआरी 2023 रोज अदाणी टोटल गेसना शेर 38.85 स्तरे था। कंपनी शेर सोमवार BSE पर 5% घटी ₹925.10 ट्रेड थी रो। आ कंपनी शेर 52 सप्ताह निचलू स्तर है, एट्ले हम 52 सप्ताह निचला स्तरे पहुंची गई है। तो यूं बनी सके कि तेजी आई सके। अदाणी टोटल गेसना शेर 52 सप्ताह उच्च स्तर 39.98 है। अदाणी टोटल गेसन मार्केट कैप घटी 1,01,773.43 करोड़ रुपया थयुं छे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहार आया बाद अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी ट्रांसमिशन शेर में तीव्र घटाड़ो थयो छे। अदाणी ग्रीन एनर्जी शेर 24 जानुआरी 2023 रोज BSE पर ₹1,916.80 स्तरे था, जे 20 फेब्रुआरी 2023 रोज BSE पर ₹597.25 स्तरे आ गया है। अदाणी ग्रीन एनर्जी शेर 52 सप्ताह उच्च स्तर
3050 છે, તે જ સમયે કંપનીના શેરનું 52% નીચલું સ્તર 291 પર 10 રૂપિયા છે, એટલે અત્યારે નીચલા સ્તરે છે, તો હવે તેજી જોવા મળી શકે છે. હિન્ડનબર્ગ રિપોર્ટ બહાર આવ્યા બાદ અદાણી ટ્રાન્સમિશનના શેરમાં પણ 68.2% ઘટાડો થયો છે. 24 જાન્યુઆરી 2023 રોજ કંપનીના શેર BSE પર 27.56.15 સ્તરે હતા. BSE પર 20 ફેબ્રુઆરી 2023 રોજ અદાણી ટ્રાન્સમિશનનું શેર 5% ઘટીને 873.90 પર છે. કંપનીના શેરનું આ 52% નીચલું સ્તર છે. અદાણી ટ્રાન્સમિશનનું 52% સ્તર 42.38.55 હતું. તો આ 3 અદાણીના શેર છે જેમાં અત્યારે તેની નીચલી સપાટીએ પહોંચી ગયા છે, તો હવે એમાં તેજી આવી શકે છે. બાકીના 2 શેરમાં નીચલું તો એ ટાર્ગેટ આપ્યું છે, ટોટલ 5 શેર છે બરાબર, તેમાં તમે તમારા બ્રોકરની સલાહ અનુસાર રોકાણ કરી શકો છો. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જય હિન્દ, જય ભારત.